सब्सक्राइब कीजिए टेक यूट्यूब विनोद चैनल्स को, साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो पैन कार्ड अप्लाई करते वक्त आपको एक एरिया कोड, AO टाइप और रेंज कोड और AO नंबर का ज़रूरत पड़ता है। तो उसे आप किस तरह से सर्च करेंगे, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का एरिया कोड क्या होना चाहिए, क्या है उसको आप कैसे सर्च करेंगे, उसका पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, करके लाइव दिखाऊंगा ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो आइए हम आगे बढ़ के देखते हैं कि किस तरह से एरिया कोड को सर्च किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन को दबा करके, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों एरिया कोड, आप AO कोड जो है इसे आप आसानी से सर्च कर पाएंगे। आप प्रोसेस पूरी तरह आप देख लेंगे, इस वीडियो के एंड तक देखिए, लास्ट तक देखिएगा, इसमें पूरा तरह से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और बहुत ही इजी है, आप तुरंत सर्च कर लेंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आप हो, यानी कि किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, आराम से इसे सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसे करके देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ठीक है, आप जिस भी आपके फ़ोन या आपके डेस्कटॉप या आपके सिस्टम या आपके लैपटॉप हैं, आप उस लैपटॉप में आपको सर्च कर लेना है AO कोड। ठीक है, मान लीजिए कि मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पर लिख देना AO कोड। ठीक है, AO कोड, ये देखिए आपके सिम पे AO कोड नाम का ये लिंक ओपन हो रहा है और ये ओपन हो जाएगा, और ये ओपन होगा तो आपको जो है इस तरह का पेज खुलेगा। ठीक है, AO कोड अगर सर्च करते हैं तो आपको इस तरह का पेज खुलेगा और इसमें बहुत सारा लिंक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको कौन सा लिंक को खोलना है ताकि आपको तुरंत मिल जाए, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसमें दूसरा लिंक मत क्लिक कर लीजिएगा, इससे दूसरा जो है वेबसाइट खुल जाता है, उसमें आप उलझ जाइएगा, इसलिए आपको मैं दिखा दूँ जहाँ पर ये HTTP का ग्रीन कलर का जो लिखा हुआ है HTTPS उसके बाद /के बाद जो teen.teen.nsdl.com करके है, और आपको इसे क्लिक कर देना है। आप यहां से देख लें या यहां से भी आप देख सकते हैं AO कोड में जो ये NSDL का दिया हुआ है teen.teen.nsdl.com, अब ये जो ओरिजिनल साइट हो गया इसका। ठीक है, आप यहां से ही सर्च करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक क्लिक करके दिखा देता हूं, यानी कि आपको सबसे ऊपर में जो दिखा ऑनलाइन पेन अप्लीकेशन NSDL पेन टू, यहाँ से भी सर्च हो जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है teen.teen.nsdl.com यहाँ से सर्च कर लेना है। इसे अगर क्लिक करते हैं तो आपको जो पेज खुलेगा वो ये वाला पेज खुलेगा। ठीक है, ये पेज खुल जाएगा और ये पेज खुलने के बाद आपको ऊपर से इस तरह से आएगा, ये देख लीजिए, ये दिया हुआ कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं AO कोड का सर्च करने का। उसके बाद AO कोड क्या होता है इसका कुछ गाइडलाइंस, इसे आप देख लेंगे पढ़ लेंगे। और अगर आप इंडिविजुअल पी के लिए भरते हैं तो इसका यह आर्मी के लिए दिया हुआ है ITO वार्ड 4 इतना दिया हुआ है, और एरिया कोड इसका PNE दिया हुआ है, उसका DEL भी है, AO कोड इतना हो गया आर्मी एयर फोर्स के लिए। और अगर आप इंडिविजुअल है यानी कि आर्मी एयर फोर्स नहीं है तो उसके लिए जैसे जनरल आम आदमी होते हैं, आम आदमी के लिए अगर उससे आप डालते हैं तो मान लीजिए मैं कोई सा एक यहाँ सर्च करने के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ये लिंक जैसे ही खुलता है तो इसमें आपको सिर्फ इधर से गाइडलाइंस देंगे और नीचे में यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ देख ली, यहाँ लिखा हुआ है सर्च ऑन सिटी। ठीक है, सर्च ऑन सिटी, तो सर्च ऑन सिटी कहने का मतलब ये हो कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का फर्स्ट लेटर क्या है, सॉरी वर्ड क्या है, वर्ड। जैसे मान लीजिए कि बिहार में एक स्टेट सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं, आप ले लीजिए सहरसा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो सहरसा के लिए क्या होता है, सहरसा में एस फर्स्ट लेटर है तो एस पर क्लिक कर दिया, एस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट का ये देखिए AO कोड यहाँ पर शो करेगा। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ऐसे हो गया था, और यहाँ देख लें सहरसा डिस्ट्रिक्ट, आप एस क्लिक किया इसमें आपको सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो कर रहा है शहर का नाम,
ओनली शहर का नाम आता है। आप जैसे मान लीजिए कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई तमिलनाडु तमिलनाडु से है, तो उसके शहर का नाम जो है सिर्फ यहाँ पर शो करता है। तो इसमें आपको सर्च करना है कि आपका जो शहर है, आप जिस शहर में रह रहे हैं, वो शहर आया कि नहीं आया। शहर करने का मतलब आप डिस्ट्रिक्ट ही मान ले, तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर बहुत सारा है। तो सहरसा कहाँ पर है? तीसरे रो में है, यहाँ पर देख लीजिए सहरसा लिखा हुआ है, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। एक बार अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप एरिया कोड ले पाएंगे। यहाँ से देख लीजिए सहरसा ITOW WAR 3 कोस्ट में 4 दिया और सहरसा दिया हुआ है। इसका पी इसका जो है एरिया कोड PTN है और AO टाइप W और रेंज कोड इसका हो गया 32 और AO हो गया 5। इतना इसका ये कोड निकल गया। आप इस तरह से सर्च कर लेंगे। एक प्रॉब्लम इसमें एक और आता है, मैं आपको वो भी स्पष्ट कर देता हूँ कि किसी किसी डिस्ट्रिक्ट का वो एरिया कोड नहीं मिलता है, वो भी मैं एक आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा दूंगा। वो किसी किसी डिस्ट्रिक्ट का जो नहीं मिलता है, तो उस स्थिति से हम क्या क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ जिस पे मैंने प्रैक्टिकल कर चुका, उसके बारे में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक सहरसा के जस्ट बगल में मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसे मैं सर्च करता हूँ तो उसका नाम नहीं आता है। आप सर्च करेंगे, आप पूरी तरह से इसे देख लेंगे, नहीं आता। मैंने इसे सर्च करके तब मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप लिस्ट में अगर देखें तो आपको मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट कहीं नहीं आएगा। तो इस स्थिति में मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का AO कोड क्या होगा, इसे कैसे पता चलेगा? दोस्तों ये तो इस दो जिला के लिए था। अगर आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले का अगर नाम इसमें नहीं है, शहर का नाम नहीं है, तो उस स्थिति में करना क्या है कि आपके शहर के जस्ट आसपास जो शहर है उस शहर का नाम को इसमें सर्च कर लेना है। उसके बाद क्या करना मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का तो नाम नहीं मिला, तो मधेपुरा के आसपास का शहर कौन है? सुपौल है, सहरसा है, पूर्णिया है, तीन जिला है। तो सबसे पहले मैं सहरसा जाता हूँ, उसके बाद सहरसा में देखता हूँ उस मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है या नहीं आता है। मैं एस में गया, एस के बाद सहरसा डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ। सहरसा डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद पेज को ऑफ करना है, ऊपर करना है, ऊपर करते जाना है, कितना जिला का नाम आता है देख लेना है। यहाँ देख लीजिए दो आ गया, और इसको आपको पढ़ना है थोड़ा सा। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको नीचे में एक दिखाई देगा, यहाँ पढ़िए, मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप मधेपुरा एंड सहरसा जिला का इसमें दिया हुआ है, तो इंक्लूडिंग लिखा हुआ है निर्मली सब डिवीजन। तो ये सहरसा और मधेपुरा जिला का जो है AO कोड, ये आपको सहरसा में ही मिल जाता है। ऐसा ही स्थिति होता है किसी और शहर में भी, ऐसा होता है कि अगर आप आपके जो शहर का नाम अगर नहीं मिलता है तो आसपास के शहर का नाम उन्हें सर्च करेंगे और उसमें इस लिस्ट को ओपन करेंगे तो आपके शहर का नाम मिल सकता है। तो यहाँ से आप इस तरह से जिस शहर का नहीं मिलेगा आप इस तरह से सर्च कर लेंगे, और जिस शहर का नाम दिया उसका तो डायरेक्ट यहाँ से शो करेगा। आप ऊपर वाला डाल दें या इसका वाला डाल दें, दोनों की है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इसमें एक AO कोड यूज करेंगे, आपका पैन कार्ड अप्लाई हो जाएगा। ये जो है AO कोड आपको पता ही होगा, पैन कार्ड आप NSDL से बनाते हैं, UTI से बनाते हैं या किसी पोर्टल से बनाते हैं, तो हर जगह ये इसका यूज जरूरत पड़ता है। तो इसलिए इसका बहुत मस्त जरूरी था। हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। टेक यूट्यूब नोट, इंडिया नंबर 1 चैनल।